सब्सक्राइब करने के बाद न्यू अपडेट देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चर्चा में रहे एक ऐसे प्राणी की जो गाय माता की बहन के रूप में जानी जाती है। उसका नाम है नील गाय। दोस्तों, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने नील गाय का नाम रोजड़ा रखा और फसलों को हानि से बचाने के लिए उसे मारने का अधिकार भी दिया। दोस्तों, वैसे तो मादा गाय भूरे मटमैले रंग की होती है, पर नर नीले रंग का होता है, इसलिए इसे नीलगाय कहते हैं। इसके आगे के पैर पीछे के पैर से अधिक लंबे होते हैं, इस ही कारण से यह दौड़ते हुए बहुत अटपटा सा लगता है और भागने की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं होती है, और इस कारण से नीलगाय आसानी से बाघ चीता जैसे जानवरों के शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, नील गाय देखने में घोड़ों की तरह लगती है, पर यह घोड़ों की तरह खूबसूरत नहीं होती है। दोस्तों, नील गाय की रोचक बात यह है कि नील गाय ऊँट की तरह बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकती है, और सभी नर एक ही स्थान पर आकर मल त्याग करते हैं, जबकि मादाएं ऐसा नहीं करती। दोस्तों, नील गाय की गर्दन पर सफ़ेद बालों का गुच्छा होता है और घुटनों के निचले हिस्से पर सफ़ेद पट्टी होती है। नीलगाय देखने और सूंघने में तो अच्छी होती है, लेकिन नीलगाय को कम सुनाई देता है, इस ही वजह से नीलगाय हमेशा सतर्क रहती है। सुस्ताने के लिए यह खुला मैदान चुनती है और एक दूसरे से पीठ सटा कर लेटती है, और यह घने जंगलों में बिल्कुल नहीं जाते। दोस्तों, केवल नर नीलगाय के ही छोटे नोकदार सींग होते हैं, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नर का वज़न लगभग 250 किलोग्राम होता है और मादा नीलगाय का वज़न 215 किलोग्राम होता है। यह एक शाकाहारी प्राणी है। यह मुख्यतः खाने में फल, घास, फूल, पत्ते, फसलें खाते हैं। नीलगाय को किसान का दुश्मन भी कहा जाता है। यह खेतों में घुसकर खेतों को तहस नहस कर देते हैं। इसका जीवन काल 12 से 15 साल का होता है। नीलगाय की रफ्तार 180 किलोमीटर पर आर और यह 6 फीट तक छलांग मारने की क्षमता रखती है। 2001 की गणना के अनुसार नीलगाय की संख्या भारत में लगभग 10 लाख थी। दोस्तों, नीलगाय झुंड में रहना पसंद करती है। मादाओं के झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं, जबकि नरों के झुंड में लगभग 20 सदस्य हो सकते हैं। छोने यानी नीलगाय का बच्चा, यह ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर में पैदा होते हैं। छोने पैदा होने के 8 घंटे बाद ही चल पाते हैं। छोने को झुंड की सभी मादाएं पालती है और वह किसी भी मादा के पास जाकर दूध पीता है। नीलगाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है। इसका सेवन कई बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, नीलगाय का एक अतिरिक्त नाम घोड़ा रोज भी है, और नीलगाय बहुत कम आवाज़ करती है, परंतु लड़ाई के समय यह भैंस की तरह आवाज़ करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।